हेलो स्टूडेंट्स, टेक आउट ऑफ योर माय ऑब्जर्वेशंस बुक। आपको ईवीएस की अब माय ऑब्जर्वेशंस बुक ओपन करनी है। अभी हमने डिस्कवरिंग बुक में चैप्टर रीड किया था, अब माय ऑब्जर्वेशन बुक में वर्क करेंगे हम। पिक योर पेंसिल, पेंसिल लीजिए अपने हाथ में। ओके, पेज नंबर 15, चैप्टर 2, माय बॉडी ऑर्गेन्स, मेरे बॉडी ऑर्गेन्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द पिक्चर ऑफ द ऑर्गेन्स विद देयर फंक्शंस। आपको इन पिक्चर्स को मैच करना है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। आपको पता है कौन सा ऑर्गेन्स क्या फंक्शन करता है? ये क्या है? आपका ब्रेन। ब्रेन क्या करता है जल्दी बताइए? ब्लड पंप करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, या थिंक करता है? थिंक करता है ना। थिंक मीन्स होता है सोचना, THINK के थिंक मीन्स सोचना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ए। मैं अगेन समझा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, मेज द पिक्चर्स ऑफ द ऑर्गेन्स विद देयर फंक्शंस। आपको इन ऑर्गेन्स को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैच करना है। आपका ए नंबर पर ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है? हेल्प्स अस थिंक, या हमें सोचने में हेल्प करता है। ओके, बी नंबर पे क्या लिखा, क्या कौन सी पिक्चर बनी हुई है जल्दी बताइए? लंग्स, आपके लंग्स है। ये लंग्स क्या करते हैं बताइए? ब्लड पंप करते हैं, डाइजेस्ट फूड करते हैं, या ब्रीद करते हैं? तो लंग्स क्या करता है हमारा? ब्रीद। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना बैलून का, एयर जाती तो फूल जाते हैं, एयर निकल जाती तो डिक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या करेंगे हम? बी, हेल्प अस ब्रीद, BREATH, ब्रीद मीन्स सांस लेने में हेल्प करते हैं। सी नंबर पे क्या बनाया आपका? हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप्स, आपकी बॉडी के पूरे पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। ठीक है, डी नंबर क्या है आपका? स्टमक, हेल्प्स डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? डी। ओके, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द ऑर्गेन्स। आपको जी पिक्चर्स दे रखी, इनके ऑर्गेन्स के नेम को फिल करना है। फर्स्ट पिक्चर किसकी जल्दी बताइए? क्या बने में टू ई? लंग्स, वेरी गुड। लंग्स कैसे बोलो? LUNGS, लंग्स। ओके, बी नंबर क्या है ये आपका? ब्रेन। ब्रेन कैसे बोलो? BRAIN, ब्रेन। ओके, सी नंबर जल्दी बताइए क्या ये आपका? हार्ट, HEART, हार्ट। डी नंबर स्टमक, स्टमक कैसे बोलिए? XX की तरह है ना ये? STOMACH, स्टमक, STOMACH, स्टमक। ओके, क्वेश्चन नंबर, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पेज नंबर 1717 पर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसा मैम ने लिखा है आपको भी वैसा ही लिखना है। ओके, आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, द ब्रेन इज लोकेटेड इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन द इनसाइड। आपका ब्रेन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? इनसाइड, अंदर की तरफ। ओके, बी नंबर, द बोन्स प्रोटेक्ट आर ऑर्गेन्स, द बोन्स प्रोटेक्ट आर ऑर्गेन्स। बोन क्या करती है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स है उनको प्रोटेक्ट करती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल किए हैं, ऐसे ही आपको भी फिल करना है। द बोन्स, BONES, बोन्स प्रोटेक्ट आर ऑर्गेन्स। सी नंबर, द लंग्स आर प्रेजेंट अंडर द, आपके जो लंग्स हैं किसके अंदर प्रेजेंट है? रिब्स, RIBS, रिब्स, RIBS, रिब्स। ओके, डी नंबर, देयर आर बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, जिनका जन्म हुआ होता है बेबी का, तो उनकी उनमें कितनी बोन्स होती है? कितनी होती है? 300। और हम सभी में कितनी बोन्स है? 206। ओके, ई नंबर,
डिश इज अ शेक लाइक ऑर्गेन दैट डाइजेस्ट द फूड. एक शेक लाइक मतलब थैली की तरह एक ऑर्गेन है जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. आप सभी को पता है क्या है वो? स्टमक. स्टमक कैसे बोलो? STOMACH. स्टमक. नेक्स्ट, वी शुड डैश आर फूड प्रॉपरली. हमें भोजन को प्रॉपर क्या करना चाहिए? च्यू. CHEW. च्यू. च्यू मीन्स चबाना. वी शुड च्यू आर फूड प्रॉपरली. जी नंबर एंड डैश इज अ बॉडी पार्ट दैट हैज अ स्पेशल फंक्शन. यहाँ क्या आएगा? ऑर्गेन्स. क्या आएगा यहाँ पर? ऑर्गेन्स. ऑर्गेन्स कैसे बोलो? OR GANS. हमारे जो बॉडी के ऑर्गेन्स हैं सबके अपने अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं. हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, सबके अपने अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं. जैसे बोन का अलग फंक्शन है, हार्ट का अलग है, रिब्स का अलग है, स्टमक का अलग है, ईयर का अलग है, नोज का अलग है, आइस का अलग अलग. सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. सभी ऑर्गेन्स जो है हमारी बॉडी के सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. द स्किन बोन्स एंड क्या आएगा यहाँ पर? जल्दी बताइए. मसल्स. MUSCLES. मसल्स वर्क टूगेदर टू हेल्प आर बॉडी मूव. हमारी जो स्किन बोन और मसल्स ये सभी एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं. समझ में आया आपको? ओके. पेज नंबर 18. पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली. यहाँ लिखा है पहले ये जो सेंटेंस दे रखे हैं ABCDE इनको रीड करो. वो जो राइट है उनके आगे टी लिखी, वो जो रोंग है उनको रीराइट करो. रीराइट मीन्स होता है दोबारा करेक्ट कर लिखिए उनको, दोबारा सही करके लिखिए. समझ में आया आपको? ए नंबर पर लिखा है वी हैव मसल्स ओवर द स्किन. वी हैव मसल्स ओवर द स्किन. हमारे मसल्स ने स्किन को कवर किया है. फॉल्स. वी हैव लिखिए आप लोग भी जैसे मैम ने लिखा है. वी हैव स्किन ओवर द मसल्स. मसल्स कैसे बोलिए? MUSCLES. हमारी स्किन ने हमारे सभी मसल्स को कवर किया है. बी नंबर लंग्स डिक्रीज इन साइज वाइल ब्रीदिंग इन एयर. जब हमारे लंग्स में एयर भर जाती है तो उनका साइज डिक्रीज हो जाता है. फॉल्स और ट्रू? फॉल्स है. मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था बैलून का. यदि बैलून में हम एयर फिल करते हैं तो वो फूल जाता है. जब एयर निकल जाती है तो वो उसका साइज कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इट मीन्स वही लंग्स में होता है. लंग्स में जब एयर फिल होती है तो उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं डिक्रीज. इट मीन्स ये फॉल्स है स्टेटमेंट. लंग्स, इसको रीराइट करेंगे हम. लंग्स इंक्रीज. इंक्रीज कैसे बोलो? INCREASE. इंक्रीज. INCREASE कैसे बोलो? CREASE. इंक्रीज इन साइज वाइल ब्रीथिंग इन एयर. वाइल मीन्स होता है जब. एयर हम सांस के द्वारा एयर लेते हैं तो लंग्स की साइज इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज मतलब एक बैलून की तरह फूल जाती है. समझाया था मैंने आपको? आर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमारी बॉडी को जब हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है. हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ट्रू. यहाँ क्या लिखेंगे आप? टी. नेक्स्ट, द ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमन. ह्यूमन का जो हार्ट है वो एब्डोमन में प्रेजेंट है. फॉल्स. द ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट. कहाँ प्रेजेंट है वो? चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है. ई नंबर, द स्टमक इज बिलो द चेस्ट. आपका जो स्टमक है इट मीन्स आपका पेट चेस्ट के नीचे है. ट्रू. यहाँ क्या लिखेंगे? टी. समझ में आया आपको?
पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द फोर बॉडी पार्ट्स, कितने बॉडी पार्ट्स, फोर बॉडी पार्ट्स हिडन इन द गिवन क्रॉसवर्ड, हिडन मतलब छुपे हुए हैं इस क्रॉसवर्ड के अंदर, एंड राइट देम, उनको लिखो इन द स्पेस गिवन प्लो, नीचे जो स्पेस दे रखा है ए बी सी डी, इसमें आपको लिखना है। मैं आपको समझा देती हूँ, आप खुद घर पर लिखेंगे, मैं ओनली वन यहाँ राइट करूंगी, ठीक है। अब आप देखिए इस सर्कल के अंदर, इस क्रॉस वर्ड के अंदर देखिए, फर्स्ट स्पेलिंग देखते हैं हम, देखिए एल यू एन जी एस, इसके ऊपर मैं, हमने सर्कल किया ऐसा, आप भी कीजिए, और नीचे लिखिए एल यू एन जी एस, लंग्स, ए नंबर पे क्या लिखा मैं हमने, लंग्स। अब नेक्स्ट आपको समझाती हूँ, लेकिन स्पेलिंग आपको खुद लिखनी है, देखिए एस, यहाँ पे एस पर ही स्पेलिंग फिनिश हो गई, लेकिन यहाँ एस से एक और स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, जल्दी बताइए कौन सी होती है, स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक। मैम ने बना दिया सर्कल, आप भी बनाइए। नेक्स्ट देखिए इसी में बी से ब्रेन, ब्रेन की स्पेलिंग क्या होती है जल्दी बोलिए, बी आर ए आई एन, ब्रेन, समझ में आ गया सबको। अब लास्ट स्पेलिंग और सर्च कीजिए जल्दी से, क्योंकि थ्री तो हो गई, वन टू थ्री, अरे यहाँ पर एच लिखा है, इट मीन्स हार्ट वाली स्पेलिंग आ गई, एच ई ए आर टी, हार्ट। मैम ने सर्कल किया, आप भी सर्कल कीजिए, और इन स्पेलिंग्स को यहाँ जो ब्लैंक्स दे रखे यहाँ लिखिए, पेज नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करने, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए आपके। वी हैव डैश बोन्स इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है जल्दी बताइए, 206, ए पर टिक कर दीजिए। टू नंबर, ऑल बोन्स टुगेदर फ्रॉम फ्रेमवर्क कॉल्ड द, हमारी जो सारी बोन्स है एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटॉन, स्केलेटॉन पर टिक कीजिए। बी नंबर, एस के ई एल ई टी ओ एन, स्केलेटॉन। थ्री नंबर, वी हैव डैश लंग्स इन आर बॉडी, अब हमारी बॉडी में लंग्स कितने हैं जल्दी बताइए, वन टू और थ्री, टू, वेरी गुड। फोर नंबर, हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, फूड को कौन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, स्टमक। फाइव नंबर, पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप कौन करता है, हार्ट, ब्रेन या लंग्स, हार्ट, ओके। अब पेज नंबर 21 पर आइए आप, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है, फाइंड आउट विच फूड आइटम गिव यू मोर एनर्जी, वो आइटम, फूड आइटम फाइंड कीजिए, फाइंड मतलब ढूंढो, जिससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। देन अदर्स बाय फिलिंग द टेबल गिवन ब्लो फॉर द नेक्स्ट थ्री डेज, आपको थ्री डेज की टेबल बनानी है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एच डब्ल्यू, या आप सेल्फ करेंगे एच डब्ल्यू कीजिए, पेज नंबर 22 ओपन कीजिए अपना, 22 में ये टेबल पूरी कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये भी आपको करना है, एच डब्ल्यू लिखिए यहाँ पर, एच डब्ल्यू, ओके। नेम द फूड आइटम दैट मेड यू फील लेजी, आपको वो फूड आइटम यहाँ पर राइट डाउन करना है जिससे आप लेजी बन जाते हो। टू नंबर, नेम द फूड आइटम दैट मेड यू फील एक्टिव, वो फूड आइटम यहाँ राइट डाउन कीजिए जिससे आपको एक्टिव लगता है, अच्छा फील होता है, एक्टिव बन जाते हो आप। हाउ डिड यू फील, क्वेश्चन नंबर 3, आपको कैसा फील हुआ ये एक्सरसाइज करने के बाद, वो सब आपको यहाँ कंप्लीट करना, और ये एक्सरसाइज आपने एप्लीकेशन कितने डेज में कंप्लीट किए वो भी आपको लिखना है, पूरा आपका क्या है, होमवर्क। अब पेज नंबर 23 पर देखिए आप, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन फूड आइटम दैट यू लव टू ईट फॉर लंच, आपको लंच में जो फूड आइटम अच्छा लगता है उसकी पिक्चर यहाँ ड्रॉ करनी है, पेज नंबर 24 देखना है, या आपको ड्रॉ करेंगे ये जहाँ फूड आइटम जो ड्रॉ करना है आपको ड्रॉ करेंगे, या एच डब्ल्यू लिखिए आप, आपको क्या पसंद है खाने में। पेज नंबर 24 देखिए आप, मेक अ कोलाज
बाय कटिंग. आपको एक कोलाज बनाना है एंड पेस्टिंग पिक्चर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम दैट यू ईट. आपको यहाँ पर कोलाज बनाना है, यहाँ आपको डिफरेंट तरह के फूड आइटम जो आप खाते हो उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है. आपको 3 एक्टिविटी दी है, ठीक है. एक तो पेज नंबर 23 पर दी है, या तो आप यह वाला कीजिए. यहाँ पे ओ आर ओ लिखा है, और मिस होता है या, और मिस या. या तो आप यह वाली एक्टिविटी कीजिए या फिर ये वाली, स्पीक टू लाइन ऑन एनी 3 फ्रूट्स दैट यू लाइक टू ईट. आपको 3 लाइन बोलनी है जो फ्रूट्स आपको पसंद है. समझ में आया आपको? यहाँ आपका चैप्टर 2 का बुक वर्क फिनिश हुआ. स्टूडेंट्स, अभी आपने बुक वर्क कम्प्लीट किया है डिस्कवरिंग बुक का और माय ऑब्जर्वेशंस टीवीएस बुक का. दोनों बुक का वर्क कम्प्लीट हो गया है, रीडिंग हो गई है. अब हम कॉपी वर्क करेंगे. टेक आउट ऑफ योर नोटबुक, राइट डाउन चैप्टर 2 माय बॉडी ऑर्गेन्स न्यू वर्ड्स. जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आपको भी लिखना है. मैम आपको एक्सप्लेन कर रही है और आपको रेड पेंसिल का यूज करना कंपल्सरी है, इससे आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगेगी. ओके, चैप्टर 2 माय बॉडी ऑर्गेन्स न्यू वर्ड्स. फर्स्ट इज ब्रेन, BRAIN, ब्रेन. LUNGS, लंग्स. STOMACH, स्टमक. HEART, हार्ट. यहाँ आपका हार्ट, ठीक है. 5 नंबर SKELETON, स्केलेटॉन. 6 नंबर BONES, बॉन्स. यहाँ आपके न्यू वर्ड्स कंप्लीट हुए. अब हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर्स. देखिए जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आपको भी वैसा ही लिखना है. चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑर्गेन्स एंड इंटरनल ऑर्गेन्स. आपको डिफरेंस बताना है एक्सटर्नल ऑर्गेन्स और इंटरनल ऑर्गेन्स में. आंसर, एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, इंटरनल ऑर्गेन्स. द ऑर्गेन्स विच वी कैन सी आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑर्गेन्स. वो ऑर्गेन्स जिनको हम देख सकते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गेन्स. एग्जाम्पल क्या है इसका? आईज, ears, nose, etc. etc. इसमें सारे organs आ जाएंगे. etc लगाने पर वो सभी organs आ जाएंगे जिनको हम सबको यहाँ लिख नहीं सकते, ठीक है. तो हम only 3 parts लिखे हैं हमने और etc लिखा है. Example क्या है? eyes, ears, nose, etc. Next, internal organs. The organs which we can Not see, not see means नहीं देख सकते हैं. We cannot see means हम नहीं देख सकते हैं. Are called internal organs. जिनको हम नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं? Internal organs. Example, heart, lungs, stomach, etc. Question number 2. How many bones have in योर बॉडी. आपकी बॉडी में कितने बोन्स हैं? जल्दी बताइए कितने बोन्स हैं? वी हैव 206 बोन्स इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं. यहाँ आपका चैप्टर 2 कॉपी वर्क कंप्लीट हुआ.